Okay, 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 come on. उनका जो कुर्बानी दी है ना, वो हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। उस पर हमें गर्व करना चाहिए, गर्व है। और क्योंकि ये गर्व की बात है तो हम उसको अफसोस करेंगे तो उनकी कुर्बानी पत्ते और आपको हमेशा चीज को याद रहेगी कि आपके पति ने कुछ ऐसा काम किया है, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। वो अपने लिए नहीं दी, बीमार होके नहीं मरे, उन्होंने लड़ते लड़ते देश की सुरक्षा में। जो हमारा जवान शहीद हुआ है छत्तीसगढ़ में एक नक्सलियों के साथ इनकाउंटर में, और भी तो हमारे साथी शहीद हुए हैं, तो उनका जो पार्थिव शरीर है वो आज रात को जहाज से गुवाहाटी में पहुंचेगा। वहां उसको सम्मान देने के बाद उसको फिर यहां पर लाया जाएगा, और कल यहां पर जो हमारा उसको पूरे सम्मान के साथ हमारा विभाग, असम सरकार, असम पुलिस, बाकी यहाँ की जितनी भी डिग्नेटरीज हैं, तो उसको सम्मान के साथ यहाँ लाया जाएगा। और फिर जो हमारा प्रोसीजर है, जो हमारा एक सेट प्रोसीजर है, उसके तहत उनको सम्मान पूर्वक यहाँ से उनका अंतिम क्रिया का कर्म किया जाएगा। हमारे साथी ने अपने देश के लिए जान दी है, देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दी है। और जो इन्होंने बेटा खोया है, वो बेटा उन्होंने एक आम तरह की मौत नहीं हुई है, ये शहादत हुई है। तो जो शहीद होता है उसका एक अलग उसका सम्मान होता है, और उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है। तो इन्होंने अपने परिवार को बढ़ा दिया है, पूरा देश और रैदर हमारा यहाँ का असम सरकार और सीआरपीएफ, गृह मंत्रालय, तो सभी इस परिवार से जुड़ गए हैं।
और जुड़े रहेंगे। हमारा एक सेट प्रोसीजर है कि जो भी शहीद होता था उससे हम अलग तरीके से समान प्रमुख तरीके से जुड़ते हैं और हमेशा जुड़े रहते हैं।